लोगों ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है और जी न्यूज आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस भूकंप के बाद जो मंजर रहा है वो दिखा रहा है। हमारे सहयोगी शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, 18वें फ्लोर से आप नीचे उतर करके आई, हमें पता चला है, ट्विटर पर आपने ये जानकारी दी है, आप कैसा महसूस किया इस भूकंप के साथ आपने? चंदन अपना सवाल हो रहा है जी। शिवांगी, हमने एक्स पर देखा कि आपने बताया कि 18वें फ्लोर से आप नीचे उतर करके आई और भूकंप काफी जबरदस्त आपने भी महसूस किया है। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए चंदन, इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो नेपाल बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह का झटका था, आपको बता दें कि उत्तर भारत सहित दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका बहुत ही तेज झटके महसूस हुए और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो अभी तक संभल नहीं पा रहे। तीव्रता की अगर हम बात करें तो 6.4 बताया जा रहा है, इसका केंद्र नेपाल है, लेकिन खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तरकाशी की बात करें तो इन तमाम इलाकों में इसका जोरदार असर देखने को मिला, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में झटके देखने को मिले। हालांकि आप देखिए कि पिछले कुछ ही समय में ये तीसरी बार ऐसा है जब भूकंप के ऐसे तेज झटके महसूस हुए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल जरूर है। हालांकि अपील की जा रही है लोगों से, खासकर जो लोग हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं, कि आप घबराए नहीं और धीरे से अपना ध्यान रखें। लेकिन आपको ये बता दें कि नेपाल के जाजरकोट जिले में इसका पैक था और भूकंप इतना तेज था कि इसका पूरा असर न सिर्फ नेपाल बल्कि आसपास के देश के जो राज्य हैं उन पर भी, खासकर यूपी बिहार का जो इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है, वहां पर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें जहां हमारी मौजूदगी इस वक्त है, तो वहां पर भी लोग घरों से निकले हैं। हालांकि अब ये देखना होगा, भले ही केंद्र नेपाल था लेकिन इसका असर आप देखिए कि भारत के अलग अलग हिस्सों में भी दिखाई पड़ा है और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता इस वक्त 6.4 मापी गई है। चंदन जी, शिवांगी, बताया जा रहा है कि 10 सेकंड से ज्यादा एनसीआर में भी इसके झटके महसूस किए हैं, सब कुछ थरथराता हुआ, हिलता हुआ महसूस हुआ है। साफ तौर पर देखिए फील किया है, अगर हम बात करें कि महसूस किया गया, क्योंकि तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसको महसूस किया है और बिना वक्त गवाए जो लोग हैं वो सुरक्षित जगहों पर जाने लगे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने क्या महसूस किया, तो बिल्कुल हम लोग भी इसको बहुत तेज जो झटके थे उसको महसूस करने के बाद सुरक्षित जगहों पर गए। हालांकि ऐसी सिचुएशन में लगातार कहा जाता है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आप ध्यान रखते हुए एक से जाए, लेकिन आप देखिए कि नेपाल भले ही भूकंप का केंद्र था तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह का असर भारत के तमाम राज्यों में देखने को मिला है, ऐसे में नेपाल में इस वक्त स्थिति क्या रही होगी। जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि बिहार का जो पटना इलाका है वहां पर भी लोगों में दहशत है, वो घरों से बाहर ही हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि भूकंप के बाद भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स नजर आते हैं, ऐसे में लोग और वक्त ले रहे हैं और ये अपने आप में कहीं ना कहीं घबराने वाली बात है, क्योंकि एक के बाद एक अगर इस तरह से भूकंप के झटके आते हैं तो ये सवालिया निशान भी खड़े करते हैं कि आखिर क्यों इस तरह की स्थिति पैदा हुई। हालांकि अब देखिए इसका कारण क्या था वो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, लेकिन भूकंप के झटके, तेज झटके न सिर्फ नेपाल बल्कि आसपास के इलाकों में महसूस किए गए। बिल्कुल, 6.4 तीव्रता का भूकंप, नेपाल में केंद्र और उत्तर भारत पूरी तरह से थरथरा गया है, इस जलजले से कांप गया है, 6.4 तीव्रता का भूकंप और पंजाब तक भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, तो उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा तक भी इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, पूरी तरह से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत कांप गया है। भूकंप के झटके इसलिए और भी डराने वाले हैं क्योंकि एक महीने में तीसरी बार उत्तर भारत कांपा है, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो एक महीने में तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर जो कि काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है भूकंप के लिहाज से, एक तरफ यहां भूकंप का केंद्र हिमालय के गर्भ में होता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ओर जब भूकंप के झटके आते हैं तो भी दिल्ली एनसीआर कांप जाता है, और ऐसे में कुछ दिनों पहले जो भूकंप आया था उसका केंद्र फरीदाबाद बताया गया था, और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोगों में ये खौफ आ जाता है कि क्या ये भूकंप किसी बड़ी तबाही के आने की आहट है, ऐसे में खौफ होना लाजमी है। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की तो अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सब कुछ हिलता हुआ नजर आया है, कांपती हुई दिखी है धरती।